गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज मार्केट का हाल, साथ ही 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी आउटलुक की। निफ्टी को अराउंड 15,980 का सपोर्ट मिल रहा है और 16,400 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। वहीं बैंक निफ्टी को अराउंड 34,400 का सपोर्ट मिल रहा है और 35,500 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे की। कैश डिलीवरी की बात करें तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं 7 से 10 दिनों के लिए। सबसे पहले है वेल्सपन कॉर्प, जहां पर रिकवरी ऑन कार्ड्स है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 201 पर, स्टॉप लॉस 195, पहला टारगेट 207 और दूसरा टारगेट 211 पर रख सकते हैं। फिर है भारत डायनामिक्स, जहां पर फर्दर बाइंग एक्सपेक्टेड है, तो इसे बाय कर सकते हैं 741 पर, स्टॉप लॉस 722, पहला टारगेट 760 और दूसरा टारगेट 779 पर रख सकते हैं। इसके बाद है एलजी इक्विपमेंट्स, जहां पर साइडवेज मूव ट्रेंड है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 342 पर, स्टॉप लॉस 333, पहला टारगेट 351 और दूसरा टारगेट 359 पर रख सकते हैं। फिर है जेबीएम ऑटो, जहां पर बाउंस एक्सपेक्टेड है, तो इसे बाय कर सकते हैं 454 पर, स्टॉप लॉस 442, पहला टारगेट 466 और दूसरा टारगेट 477 पर रख सकते हैं। इसके बाद है इंडिया ग्लाइकोल्स, जहां पर रिकवरी ऑन कार्ड्स है, तो इसे बाय कर सकते हैं 915 पर, स्टॉप लॉस 890, पहला टारगेट 940 और दूसरा टारगेट 965 पर रख सकते हैं। अब बात करते हैं उन कॉल्स की जो हमने आपको रिकमेंड किए थे और देखते हैं उनके परफॉर्मेंस कैसे रहे इन दिनों। ICICI Prudential went up 2.5%, touched first target. Balkrishna Industries went up 2.3%. Bharti Airtel went up 2.7% in 2 days. Ingerand went up 4.3% in 3 days, touched first target. अब बात करते हैं स्टॉक इन न्यूज की। इसमें हम आज देखेंगे पिरामल एंटरप्राइजेस, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज एंड एस्ट्राजेनेका फार्मा। सबसे पहले पिरामल एंटरप्राइजेस की बात करें तो क्वार्टर 4 नेट प्रॉफिट स्टूड एट रुपीज 151 करोड़ वर्सेज ए नेट लॉस ऑफ रुपीज 510 करोड़। फाइनेंशियल 2021-22 के लिए इट रिपोर्टेड अ 41% जंप इन द नेट प्रॉफिट एट अराउंड रुपीज 2000 करोड़। साल के दौरान पिरामल एंटरप्राइजेस कंप्लीटेड इट्स एक्विजिशन ऑफ डिस्ट्रेस्ड होम फाइनेंसियर DHFL। वहीं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने 100% ईयर ऑन ईयर राइज रिपोर्ट किया इन इट्स क्वार्टर 4 कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3,851 करोड़। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 37.7% ईयर ऑन ईयर बढ़ा। For the full year period from April to March 2022, the consolidated net profit grew more than threefold or 294.2% to rupees 13,730 crore. वहीं एस्ट्राजेनेका फार्मा की बात करें तो क्वार्टर 4 नेट प्रॉफिट 10.3% ऊपर रहा, नेट प्रॉफिट 2% ऊपर था। वहीं एबिट्टा वाज डाउन 6.6% एंड एबिट्टा मार्जिन वाज एट 16.27% वर्सेस 19.22% ईयर ऑन ईयर। मॉर्निंग आउटलुक में फिलहाल के लिए इतना ही। स्टॉक रिलेटेड और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और अपने फीडबैक और सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऑल्सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।